डार्लिंग, हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखी है वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा, हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। अरे गाजर का हलवा, अरे हम तो लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी गाइज गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती लाल ब्लॉगर। तो आपकी प्यारी आरती अपने प्यारे से ब्लॉग में आप सबको स्वागत करती है, यानी वेलकम करती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो हे गाइज, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइए कॉमेंट करके। आज मेरा कुछ नया लुक देखने को आपको मिल रहा है। तो गाइज, काफ़ी दिन के बाद मैं इस तरह से रेडी हो रही हूँ, बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी, तो सोचे थी थोड़ा, सब दिन तो ऐसे ही वीडियो बना लेती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सज सवर कर वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग बताइए कि मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है, और ये लिपस्टिक कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा आई मेकअप कैसा हुआ, अच्छा या बुरा, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मेरा पूरा फाइनल लुक। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक है। तो आज मैं पूरा ग्रीन क्वीन बनी हुई हूँ, ग्रीन क्वीन। अब फैन बंद हो रखा है तो गर्मी बहुत लग रहा है, तो चलिए हम फैन ऑन करते हैं। मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में वीडियो बनाकर, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठकर बात करूँगी, ठीक है। तो जल्दी से फैन बंद है तो गर्मी लग रहा है, तो जल्दी से मैं वीडियो बनाती हूँ, इससे पहले कि मेकअप उतरे, इससे पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, और क्यों नहीं आप लोग मतलब कि देखते हो मेरे वीडियो को, क्यों आप लोग अच्छा नहीं लगता है क्या मेरा ये वीडियो? मैं ब्लॉग भी डालती हूँ तो आप लोग देखते ही नहीं, प्लीज़ यार देखा कीजिए, है ना। तो ये मेकअप आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, चाहिए होगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, मैं मेकअप ये वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर चाहिए हो तब, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, है गाइस। तो मैं डायरेक्ट आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर में रील्स वीडियो बनाकर मैं थक गई थी तो सो गई थी, इसलिए मैं इवनिंग में 6:30 बजे का टाइम है शाम का। तो यहाँ पे आयु को दूध पिला रहे हैं और पाखी भी साथ में पी रही है, और आयु का नौटंकी देखिए मजा आने वाला है। मिन्नी बुआ ना तो टंगड़ी तोड़ देगी बार बार जो जाता है मिन्नी बुआ के पास, सोच लो पगलाया। देखो ज्यादा बदतमीजी करोगे ना आयु, तुमको गेट से बाहर कर देंगे। रिकॉर्ड पहुंच गया लड़का का। अरे देखिए ना, अकेले नहीं जाएगा, पाकी को भी साथ में लेकर जाएगा, इतना अरे कहाँ लेकर जाइएगा अविनाश भैया, हाँ बार बार अच्छा लग बाप टी शर्ट पहन कर जाएगा, कान उखाड़ दी उसके। आप अपना घर जाइए। ये लड़का बहुत जिद्दी हो गया, किसी चीज पे अड़ जाएगा कि मुझे ये लेना है, ये खाना, यहाँ जाना है, तो जाकर ही छोड़ता है, चाहे इसके लिए कुछ भी कर लो। बहुत बदतमीज हो गया है। किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ गट्टा का सब्जी, तो उसी की तैयारी में कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले लूँगी बेसन, उसमें डालूँगी कलौंजी, अजवाइन और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और
लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा का पेस्ट। उसके बाद इसमें डलाएगा सरसों का तेल और नमक, तो नमक आप हिसाब से ही डालें क्योंकि ग्रेवी में भी पड़ेगा। तो ये सब डाल के मैं अच्छे से मिला दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट डो इस तरह से तैयार कर लूँगी और मैं हाथ में इस तरह से तेल लगाऊंगी ताकि बेसन हाथ में चपके नहीं। तो इस तरह से मैं लंबा लंबा स्टिक इसका बना लूँगी। बनाकर मैं इसे साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसमें भी पानी डालकर उसे उबाल आने तक गर्म करूँगी। तो देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। तो मैं जितना भी गट्टा बना कर रखी हुई थी सब मैं इस पानी में डाल दूँगी। तो डोंट वरी, पानी में गट्टा चपकता नहीं है, सब अलग अलग हो जाता है। तो इसे अच्छे से पकने देंगे, इस तरह से उलट पलट कर अच्छे से इसे चला देंगे, फिर ढक देंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक चुका है, सब एक दूसरे से अलग हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इस तरह से सारे गट्टा छान कर निकाल लूंगी थाली में और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दूंगी। तो मैं जल्दी से इसका ग्रेवी रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका और मैं डाल दी हूँ इसमें तेल। अब मैं इसमें डालूंगी तेजपत्ता, उसके बाद दो सूखी खड़ी लाल मिर्च और यहाँ पे जीरा मैं डाल रही हूँ, हींग और यहाँ पे खड़ा गरम मसाला और चॉप किया हुआ प्याज, ये सब डालकर मैं अच्छे से इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद इधर प्याज भुना रहा है तब तक मैं गट्टा को काट लेती हूँ इस तरह से। आप लोगों में से किन किन को गट्टा का सब्ज़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये राजस्थान का फेमस सब्ज़ी है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ। तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, इसमें मैं डाल दी हूँ लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा का पेस्ट। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो अच्छे से मैं डालकर इसे भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन मसाला थोड़ा सा और पानी डालकर मैं इस तरह से कुछ भूनूंगी। तो ये गाइस सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत यमी। तो इसे जब तक भूनना है मसाला, तब तक कि पान मसाला के ऊपर तेल ना छोड़ दे। तो देख सकते हैं तेल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूंगी गट्टा, गट्टा डाल के मैं तो 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी ढककर। तो इसे भूनने देते हैं। ये सब्ज़ी जब मैं ससुराल में शादी कराई थी तो ये सब्ज़ी यहाँ पे मेरी सासू माँ बनाई थी, तो बहुत टेस्टी लगा था खाने। तो मैं ये सब्ज़ी का रेसिपी अपने ससुराल में ही सीखी हूँ, मैं कोई वीडियो वीडियो देखकर नहीं बनाई हूँ। तो ये मैं अपने तरीके से बनाई हूँ गट्टा का सब्ज़ी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं गट्टा की सब्ज़ी, ठीक है? क्योंकि ये मेरा खुद का तरीका है बनाने का। मैं बहुत बार सुनी हूँ कि राजस्थान के लोग गट्टा का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप ये सब्ज़ी का रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैं लास्ट में डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। तो ये सब्ज़ी हो चुकी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रेवी ही रखूँगी सब्ज़ी में, क्योंकि ये बेसन का है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुका है। तो देख रहे हैं कितना यमी लग रहा है, जितना देखने में यमी लग रहा है उतने खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है, यमी लगता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो गट्टा की सब्ज़ी बन चुका है और यहाँ पे टेस्ट करा रहा है अपने हस्बैंड को, देखते हैं कैसा बना है। टेस्ट करके देखो कैसा बना है। बहुत अच्छा। तो मेरे हस्बैंड टेस्ट करके बता दिए कि बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पर मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं भी यहाँ टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बना है। तो गाय वाकई में बहुत यमी बना है, आहा बहुत टेस्टी लगा खाने में। Thank you. 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 Thank you